डर तो लग रहा है वैसे इस पे खड़े होके, लेकिन ये देखो बाकी रूम का व्यू दिखाते हैं। ये व्यू रहा, पता मुझे कुछ नहीं है इसके बारे में भी, अनएक्सप्लोर्ड जगह है ये मेरे लिए, पहली बार आया हूँ मैं। अभी मैं आ चुका हूँ भसूटिया, तो अभी मैं आया हूँ दीपूदा मैगी पॉइंट पे। यहाँ पे हमने अभी चाय और पकौड़ी ऑर्डर कर दिए। तो कार्ड गोदाम से 5 किलोमीटर अंदर पड़ता है ये भसूटिया, ये लोकेशन है, ठीक है। बाकी आप लोकेशन चेक करो, काफ़ी अच्छी है। ये ब्रिज है, यहाँ ब्रिज पर आप अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। बाकी ये कैफ़े है, कैफ़े का नाम मैं फिर भूल गया, दीपूदा मैगी पॉइंट। बाकी हमारे साथ राकिब भाई हैं, हमारे भाई एक और मैगी आ गई गाइस अपनी, और ये हैं अपने भाई आतिफ भाई। आ गई पकौड़ी, आ गई चटनी के साथ। होटल रिवर रॉक जोली कोट की तरफ है। अरे ये तो क्या हुआ इसका, खत्म हो गया ये तो, मुझे लग रहा है किसी और ने ले लिया। बुलेट पड़ी हुई है, लग रहा है ये बह हो गया सब, सब टूटा पड़ा है। मूनशाइन कैफे, तो ये है भुजिया घाट, देख सकते हैं कितनी प्राइम लोकेशन है ये। कार्ड गोदाम से 5 किलोमीटर अंदर है ये, पुल वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी मस्त है गाइस। ये नदी बह रही है, यहाँ मैं भी पहली बार आया हूँ इसलिए इतना प्रॉपर इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, तभी मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ इसके बारे में। बाकी आतिफ भाई आ चुके हैं यहाँ पे खड़े हुए, बाकी इस रिज़ॉर्ट में वो आते तो ये सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, वहाँ पे बाइक भी पड़ी हुई है, पता नहीं सैलाब उलाब आया होगा या कुछ आया होगा, टूट गया होगा। मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, अच्छा लग रहा है, यहाँ पे फील आ रहा है बहुत। वहाँ पे गाने उने चल रहे हैं, बाकी फन पार्क वगैरह है वहाँ पे, ठीक है, वाटर पार्क भी है उधर। बाकी यहाँ पे बैठ के फ़ोटो वोटो खिंचा सकते थे, लेकिन अभी वो सब बंद है, जा नहीं सकते, वो लोग शायद उधर से आए होंगे। बाकी ये लोग देखिए शायद पेंट कर रहे हैं या लिसाई कर रहे हैं, शायद लिसाई कर रहे हैं मेरे ख्याल से। बाकी साथ वाले हमारे वो खड़े हुए हैं उधर, चलते हैं आगे, थोड़ा बहुत और कुछ दिखेगा वो भी एक्सप्लोर कर देंगे। बाकी ये झूला है, यहाँ पर बैठ के झूला झूल सकते हैं। झूला है, बढ़िया, चलो चलो, झूला वगैरह है, बैठने की जगह है,
चलो चलते आगे। शायद वो ढह हो गया होगा, यहाँ से लग रहा है नई मिट्टी पड़ी हुई है ऊपर से सब, वरना आगे वो देख सकते हैं दीवार वगैरह बनी थी। कुछ पता नहीं इसके बारे में भाई मुझे, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, आइडिया लगा के ऐसे ही चल रहे हैं। वो लोग उधर जा रहे हैं, देखते हैं कुछ हो तो आपको भी दिखाता हूँ क्या है उधर। कुत्ता देखो कितना खतरनाक, ये कटहल लगे हुए हैं, कटहल के पेड़ काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, दिखते हो शायद आपको कटहल। वो बंदर बैठा हुआ, बंदर बैठा लगता बंदर से गाइस। बाकी घर कितना अच्छा बना है जंगल के बीच में, पेड़ ही पेड़ है इधर, खेत ही खेत हैं। कुत्ते बैठे हैं, कुत्ते खतरनाक हैं यहाँ पे। लोकेशन का मजा लो आप लोग, पता मुझे कुछ नहीं है इसके बारे में भी, अनएक्सप्लोर्ड जगह है ये मेरे लिए, पहली बार आया हूँ मैं। आप भी आ सकते हो यहाँ पे, हरियाली देखनी, सुकून उधर सब है। बाकी ऐसे कहीं आपको जंगली कुत्ते देखें तो उन्हें देख के भागना नहीं, जैसे वो पीछे थे ना, काट लेते हैं ऐसे चुपचाप निकल जाओ। अगर भाग भाग भी रहे तो सिंपल चुपचाप निकल जाओ। यहाँ पे पानी की बहुत शानदार आवाज़ आ रही है, जैसा कि हो सकता है आप लोग सुन पा रहे हो। बाकी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई है, देख सकते हैं पानी वानी भरा हुआ है। अपनी तरफ तो बारिश भी नहीं हो रही, तो सूखा पड़ा हुआ है बिल्कुल। बाकी अगर ये भीगे हुए नहीं होते, ये पत्ते काफ़ी अच्छे लगते हैं सूखे सूखे। बच्चे खड़े हैं यहाँ के लोकल, लगते हैं एक होटल है ये, रिवर रॉक, ये रहा होटल, बढ़िया। ये देख सकते हैं लोकेशन प्यारी है, ये देखिए इस पर कोई दिक्कत थोड़ी। डर तो लग रहा है वैसे इस पर खड़े होके, लेकिन ये देखो रुकने का भी इंतज़ाम है यहाँ पे भाई। बेहतरीन देखने वाला, नैनीताल तो दुनिया जा रही है। आप यहाँ पे आइए, काफ़ी सुकून है यहाँ पे, ठीक है। मेरे टेरेस देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। नैनीताल से ज़्यादा अच्छी वाइब आएगी यहाँ पे। ये देखो मेरे पीछे है ना बढ़िया, वो देखो। बाकी अभी बज रहे हैं शाम के छः का मौसम है ये, फैमिली के साथ वैसे आ सकते हैं। बेहतरीन। बाकी अलमीरा भी है, टीवी है। रूम कितने का भैया? 2000 लोकल के हैं, दे देंगे 2000 में दे देंगे। बाकी ये कुछ वॉशरूम है भैया, अभी बाकी रूम का व्यू दिखाते हैं। ये व्यू रहा बेहतरीन, फैमिली के साथ आके रुक सकते हैं आप।
बाकी रूम के एंटर करने का ये भी एक जगह है यहाँ से आप बाहर से मतलब वो ये कि अगर वो डैमेज होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे बाकी आप कपल हूँ तो आराम से आ सकते हैं यहाँ पे। बाकी मैं इनका नंबर दे दूँगा। बाकी अभी खाने की भी रेट लिस्ट दिखाऊँगा खाने में क्या क्या है। ये पार्किंग है, पार्किंग भी है यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमने तो पीछे ही लगा दी थी। आ चुकी है अपनी कॉफी की रेट लिस्ट। चार चाय और फ्रेंच फ्राइज खाए, जीएसटी वगैरह लगा के 370 हुए। बाकी ये कुछ होटल रहा तो आप यहाँ आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है, पार्किंग वगैरह भी है इनकी। अब चल रहे हैं वापस घर पीलीभीत। ठीक है, ऐसे ही किच्छा तक आए थे, कोई ऐसा मन नहीं था, तभी प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाई है। बाकी काफ़ी अच्छी जगह है, खाना वाने का भी है, बाकी मैंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं। तो अभी जा रहे हैं वापस, जाम लगा हुआ है इस टाइम, जाम लग रहा है बहुत नैनीताल रोड पे। कहाँ लगा? नैनीताल घाट गोदाम रोड, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, आगे जाम लगा हुआ है। और इस जाम को देखते हुए मुझे लगता है बाइक से आना काफ़ी ठीक है, लेकिन थोड़ा सेफ नहीं है बाइक से। बाकी आप जाम वाम में नहीं फंसोगे, काफ़ी ठीक रहेगा और मज़ा भी आएगा पहाड़ का। और रेंट पर भी बाइक मिल जाती है हल्द्वानी में नीचे, अगर आप हल्द्वानी तक कार से आ जाओ फिर रेंट पर ले लो बाइक और आराम से ऊपर आ जाओ। थैंक यू। ड्राइविंग सीट पे मैं आ गया हूँ। अब किच्छा से जा रहे हैं वापस पीलीभीत।